ये हो क्या रहा है इस शहर में? रानेश्वरी का कुछ पता नहीं चल रहा, कई दिनों से लापता है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा। What's happening? लिसन, वो मिस्टर ओम आ रहे हैं, उनसे कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। परेशान कर दिया इसने। उसको पकड़ नहीं पा रही। और अब रानेश्वरी, I want an explanation right now. Where is Mr. Rana? I'm desperate to see him. हेलो ऑफिसर, राजेश्वरी जी का कुछ पता लगा? वी आर सॉरी सर, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद मिस राजेश्वरी रावल का कुछ पता नहीं चला, और हमारे पास ये मानने के सिवा कोई चारा नहीं कि मिस राजेश्वरी रावल इज डेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी सुमन, ये गलत बोल रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो पुलिस कभी कभी। सुमन, सुमन क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? हाँ सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप क्या ही रहे हो? बहू, बहू, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। देखिए, आप चाहें तो कल इन्हें घर ले जा सकते हैं। राजेश्वरी की मौत का इनको गहरा सदमा लगा है, इसलिए घर के उसी माहौल में ले जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। आई सजेस्ट यू टेक हर फार अवे फ्रॉम हियर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। बेटा, तू बहू को हिंदुस्तान ले जा, जगह बदलेगी तो उसका मन भी बदलेगा और बीतते वक्त के साथ घाव भी भर जाएगा। लेकिन मैं सुमन को अकेले कैसे ले जाऊं? क्यों, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं? एक दूसरे को पहले से चाहते थे ना? हाँ बेटा, सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। होनी ने इसे तुमसे छीन लिया था, लेकिन अब उसका यही फैसला है, यही मर्जी कि जिसका हक है उसे मिल जाना चाहिए। आप कहती हैं तो इनकार कैसे कर सकता हूं, लेकिन सुमन मान जाए इसको शक है। नहीं नहीं, वो बात तुम मुझ पर छोड़ दो। था तो मुझे पता यार, बड़े लोग बोलते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है। आज समझ गया, जो कुछ होता है बुरे के लिए होता है। बस ये सब उठा के फेंकता हूँ दरिया में ताकि लफड़ाई मिट जावे। पर ये झूले लाल एक कृपा कर, बस उसमें से कोई डेड बॉडी ना निकले, कोई डेड बॉडी ना निकले। हल बाबा जाए हल। ए भगवान, मेरी जिंदगी कैसा बदल गई ये देखो। अरे बाबा देखते इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कैसा बदल गया इंसान। देखो पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, दरिया तो दरिया है, पीछे कौन दरिया है? अरे बाप रे, मर गया। पुलिस पीछे किधर से आ रही है? मेरे पीछे बाबा। बाबा बच गया, साईं बच गया। अरे बाबा बच गया, झूले लाल किनारे पे पहुंच गया। अरे क्या बाबा, मेरे पीछे कैसा मुसीबती आ रही है। अब ये सूट केस का क्या करें, इसको किधर भी मुसीबत को डाल दे, एक बार जान छूट जावे भाई। भगवान इसको किधर डाले बाबा, भगवान करे कोई यार इधर कोई खड्डे में गाड़ दूं तो। कितना बड़ा खड्डा है, इसमें डाल देवे क्या? डाल दो इसमें। खड्डा तो बहुत लंबा है यार, तो रस्सी भी लंबा है। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
ने? बाहर निकालो मुझे। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अभी अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? अरे मुझे बचाओ। अरे कौन बचाओ, किसको बचाओ? मुझे बाहर निकालो। हमने डाला है क्या? मुझे बचाओ। जिसने डाला है उसको बोलो ना बचाओ। प्लीज। प्लीज क्या प्लीज? इंग्लिश बोलती है, मालूम नहीं कौन सा भूत है। भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो। भगवान के वास्ते तुमको बचाएंगे तो मेरे को कौन बचाएगा? हे भगवान। तुमको सब वहां देखकर कितने खुश हो जाएंगे मालूम? माँ, बाबूजी, कौशल्या, सुमित्रा, छुटकी। कौशल्या की बेटी 3 साल की हो गई है। बाबूजी को तोतली जबान में भजन गा के सुनाती है और बाबूजी को तो भक्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। और छुटकी बड़ी हो गई है, तुम्हारी ऐसी नकल उतार के बताती है कि हंस के हम लोग की तो हालत खराब। लो, मैं अपने बारे में बके जा रहा हूं, तुम भी तो कुछ कहो। शादी के बाद परदेश आ गई, सोचती थी कैसे दिन गुजारूंगी यहाँ, लेकिन राजी ननन से ज्यादा सहेली साबित हुई। उसके सामने तो विजेंद्र जी की भी हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, लेकिन भगवान ने। मैं हूं ना अब तुम्हारी। कुछ होना था